Hey guys, a very warm welcome to this video. This is Aastha. Hope you all are doing well. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज योर प्रीशियस टाइम. आप अपने समय को कैसे मैनेज करें ताकि आप अपने काम को, आपके जो भी काम है उसको बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएं और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएं. अपने काम को इम्पॉर्टेंस दें, अपने काम को महत्व दें और बिना आलस करें अपने काम को करने की सोचें और जितना जल्दी हो सके अपने काम को ख़त्म करें. इसलिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ टालते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा. तो आप कोशिश ये करिए कि आप जितना जल्दी हो सके अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करिए. एक डेडलाइन मार्क करिए कि हाँ मुझे इस समय में ये काम ख़त्म करना है. तो आप जब ये ठान के कोई काम करेंगे तो आप अपने काम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप समय पे अपने काम को ख़त्म कर पाएंगे. अपने काम को कैटेगराइज करिए, कैटेगरीज में बांटिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप सबसे पहले रखिए, फिर काम जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पे रखिए, और जो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको तो आप बाद में भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए फिनिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से काम को आपको प्रायोरिटी देनी है. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं लाइफ में जो ना तो खुद अपना काम सही समय पर करते हैं बल्कि दूसरों का काम भी रोक कर उनका भी समय बर्बाद करते हैं. तो ऐसे लोगों से आपको जितना दूरी आप बना सकते हैं उतनी दूरी बनाए रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, आप पढ़ाई कर रहे हो और वो आता है और कहता है कि अरे यार छोड़ो, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, आओ चलो घूम के आते हैं. तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है क्योंकि ना तो वो खुद पढ़ रहे हैं ना ही आपको पढ़ने दे रहे हैं. आपको ये समझना है कि आपके लिए अभी क्या इम्पॉर्टेंट है. आपके लिए अभी पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाहर जाके घूमना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपको ये सब सोच के ही अपना काम करना है और ऐसे लोगों से जो आपको आपका गोल अचीव करने में रोक रहे हैं उन लोगों से दूर रहना है. कहा जाता है कि एक अच्छे आराम किए गए हुए शरीर का जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेजी से और उत्साहपूर्वक काम करता है. जब आपका शरीर आराम कर लेता है, रेस्ट कर लेता है, बहुत ही फ्रेश फील करता है तो आपका माइंड चीज़ों को बहुत ही जल्दी पिकअप करता है और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली वर्क करता है. जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है तो आपका दिमाग किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से अपने शरीर को भी रेस्ट दें, एक अच्छी नींद लें, अच्छे से सोएं, स्ट्रेसफुल ना रहें, अपने माइंड को काम रखें जिससे आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क कर पाए, बहुत अच्छे से काम कर पाए. इससे आपके कार्यशीलता, उत्पादकता में भी उन्नति होती है. अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, एक अच्छा भोजन करिए, बैलेंस डाइट खाइए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, और अपने माइंड को काम रखिए. अपने माइंड को काम रखने के लिए मेडिटेशन करिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और बैलेंस डाइट लीजिए. क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो ही आप अच्छे से अपने कामों में कंसंट्रेट कर पाएंगे. अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा. आज आपका मन नहीं करेगा काम करने का, ऑब्वियस सी बात है. अगर आपकी शरीर अच्छी नहीं रहेगी तो आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा. फिर क्या होगा कि आपका आज मन नहीं करा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसके बाद कल, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, अपने खाने में बैलेंस डाइट को इन्वॉल्व करिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, ये सारी चीज़ें करिए और कीप योरसेल्फ हेल्दी. अपने काम ना आने वाले समय को भी काम में लाएं, मीन्स अपने अनुत्पादक टाइम. जैसे कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन 3-4 घंटे लेट है, या फिर आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में गए हैं और आपका क्या कहते हैं कि नंबर नहीं आया है, आप वेट कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आया, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आप अपने समय का, इस समय का भी सही उपयोग करें. इन समय को भी अपने काम में लाएं, कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखें, ऑडियो सुनें, या फिर कोई ज्ञानवर्धक किताब लेके आप पढ़ सकते हैं.
इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाकर आप अपने सारे इम्पोर्टेंट काम सही समय पर अच्छे से पूरा कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आपने समय बर्बाद किया तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।